अस्सलाम वालेकुम जी क्लास, पेज नंबर 71। आज हमने करनी है एक्सरसाइज का हमने पहला क्वेश्चन करना है MCQs। चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को चूज़ करना है इन ऑप्शंस में से। इन ऑर्डर फॉर अ करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट, इट मस्ट बी, किसी सर्किट में करंट के गुजरने के लिए क्या ज़रूरी है, किसी सर्किट में से करंट के बहने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, सिंपल हो, इलेक्ट्रिक हो। तो पीछे हमने पढ़ा था कंप्लीट होना ज़रूरी है किसी सर्किट का करंट के फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सर्किट कर लीजिए ए कंप्लीट। व्हाई इज़ प्लास्टिक यूज टू कवर इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स को कवर करने के लिए प्लास्टिक को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इट लुक्स नाइस, ये अच्छा उम्दा दिखाई देता है। इट कीप्स देम नीट, ये उसे नीट रखता है। इट इज़ एन इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर है। इट इज़ अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है। तो प्लास्टिक को हम इलेक्ट्रिकल वायर्स को कवर करने के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर है। इट इज़ एन इंसुलेटर, इसमें करंट नहीं आता तो इसलिए हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। सी को सर्कल कर लीजिए। इट इज़ एन इंसुलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन सा है जिसमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, करंट आसानी से गुजर सकता है। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल वायर्स। तो हमें पता है लकड़ी में से करंट नहीं गुजर सकता, प्लास्टिक में से भी करंट नहीं गुजरता, ग्लास शीशे में से भी करंट नहीं गुजरता। तो यहाँ पर आएगा मेटल वायर्स। सी वाले को सर्कल कर लीजिए। मेटल वायर्स, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। What is stored in a battery? बैटरी के अंदर क्या जमा होता है, बैटरी के अंदर क्या जमा होता है, क्या स्टोर होता है? इलेक्ट्रिसिटी, फूड, एनर्जी, वाटर। तो पीछे हमने पढ़ा था बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई भी होती है। तो यहाँ पे ए को सर्कल कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखिए फाइव वाला। विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ अ सर्किट, इनमें से सर्किट के पार्ट, सर्किट का पार्ट कौन सा है? बैटरी, बल्ब, फ्लैक्स। तो ये देखें, पीछे हमने डायग्राम में पढ़ा था बैटरी, फ्लैक्स, बल्ब, ये सारे पार्ट्स हैं सर्किट के। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ देम, कि ये सारे ही पार्ट हैं सर्किट के। ये डी को सर्कल कर लीजिए यहाँ पे। अब डायरी राइट कर लीजिए। पेज नंबर 71, MCQs लर्न।